खबर। लोकसभा के परिणाम से पहले एक बार फिर से विपक्ष ने ईवीएम पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल का दावा है कि दुनिया की ऐसी कोई मशीन नहीं है जिससे छेड़छाड़ नहीं हो सकती है। सिब्बल के इस दावे का समर्थन कांग्रेस कर रही है। दूसरी तरफ बीजेपी ने ईवीएम पर उठ रहे सवालों को दुर्भाग्यपूर्ण बतला दिया है। तो आपको बता दें, सवाल उठा दिए हैं कपिल सिब्बल ने ईवीएम को लेकर, और एक बार फिर से ईवीएम का मुद्दा गर्मा गया है। और कपिल सिब्बल ने साफ साफ कह दिया है कि दुनिया की ऐसी कोई मशीन नहीं है जिससे छेड़छाड़ नहीं हो सकती, और अब उन्हें कांग्रेस का समर्थन मिल रहा है। दुनिया में कोई ऐसी मशीन नहीं है दैट कैन नॉट बी टेम्पर्ड। कि ईवीएम पे भरोसा नहीं किया जा सकता, क्या ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया में दखलंदाज नहीं कर रहे? लोकसभा चुनाव में सातवें चरण की वोटिंग से पहले ईवीएम पर एक बार फिर विवाद शुरू हो गया है। 4 जून को जनादेश सामने आने वाला है, लेकिन विपक्ष ने अभी से ईवीएम को कोसना शुरू कर दिया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और वर्तमान राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल का आरोप है कि दुनिया में कोई भी ऐसी मशीन नहीं है जिसके साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। सिब्बल का दावा है कि हर मशीन के साथ छेड़छाड़ हो सकती है। Lot of people who are saying that these machines are possibly tampered, right? So we want to make sure that there's no possibility of tampering. That's all, nothing more than that. We are not saying that they are tampered. We are not saying that they are not tampered. Like any machine can be tampered. ये तो है नहीं, दुनिया में कोई ऐसी मशीन नहीं है that cannot be tampered. पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल के इस बयान के बाद ईवीएम की विश्वसनीयता को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी का कहना है कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हो सकती है। वहीं बीजेपी, कांग्रेस और कपिल सिब्बल के आरोपों को सिरे से खारिज करती नजर आ रही है। मेरा मानना है कि देश के अंदर चुनाव बैलेट पेपर से होना चाहिए। ईवीएम नाकाबिले भरोसा है, टेम्पर्ड किया जा सकता है, उसकी बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं। ईवीएम के जरिए दुनिया के अंदर कहीं चुनाव नहीं होता, ना अमेरिका के अंदर होता है, ना इंग्लैंड में होता है, ना जापान में होता है, हिंदुस्तान के अंदर ईवीएम से होता है, और इसका हमको बहुत तल्ख तजर्बा है। चुनाव के चलते ईवीएम के ऊपर में प्रश्न उठाते जाते हैं। ये कहना कि हम प्रश्न नहीं उठा रहे लेकिन मशीन में गड़बड़ हो सकती है, ये तो प्रश्न उठाना ही है। यही नेता कोर्ट के सामने भी जाते हैं, कोर्ट ने आज तक इन बातों को स्वीकारा नहीं। यही नेता ईवीएम के माध्यम से जो चुनाव होते हैं उससे चुने जाते हैं, जीतते भी हैं, तब ईवीएम को गलत नहीं मानते। तो इस प्रकार के प्रश्न उठा उठाकर, चाहे इस रूप से या दूसरे रूप से, क्या ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया में दखलंदाज नहीं कर रहे? ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े करने का यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी विपक्ष कई बार ईवीएम को कठघरे में खड़ा कर चुका है और सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा खटखटा चुका है।